स्टूडेंट्स हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के बीच में इस समय आपका सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले वाले जो क्लास थी हमारी स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत विभिन्न प्रकार के जिसके अंदर आपने देखा कि खातों में यानी कि खातों में पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बिल्कुल बेसिक रूप से अपन ने अध्ययन किया था। लेकिन आज जो अपन अध्ययन करेंगे बिल्कुल आप सभी के सामने एक टॉपिक है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में टैली का जो इंटरफेस है किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हमें करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। बिल्कुल एक बेसिक है, बिल्कुल कम समय दूंगा और आपको बिल्कुल साधारण आप इसका जो है बता दूंगा। देखिए विद्यार्थियों, जिस समय अपन पहले जिस समय भी टैली को जो इंस्टॉल किया जाता है उस समय क्या होता है कि इंस्टॉलेशन के अंतर्गत सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है और अहम बात होती है, वो कौन सी बात होती है, वो बात आपके होती है इसमें कि जिसे प्रारंभिक रूप से अगर कहा जाए और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो उसके अंतर्गत होती है एक लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को अपन को है उस लैंग्वेज को जो है अपन को चुनना पड़ता है और उस लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश प्रारंभिक रूप से पूरे इंडिया के अंदर ये वाली भाषा को जो है अपन मुख्य रूप से देखते हैं। ये अलग अलग स्टेट वाइज हो सकती है, जिसमें कि अपन राजस्थान की अगर बातचीत की जाए तो हिंदी संस्कृत तो गुजराती वगैरह इस टाइप से, और कुछ कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं तो उसमें जो है इनकी जो है बात इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर आती है। अब आती है मुख्य रूप से कि मुख्य रूप से पूरा जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है टैली का वो है अंग्रेजी में। लेकिन जैसे जैसे इस युग के अंतर्गत परिवर्तन होता गया तो उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ चेंजेज आने लगे और धीरे धीरे इसी भाषा का रूप जो है बदलता गया, और उस भाषा का रूप जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे इस इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत भी बदलाव हुआ, और बदलाव होने के साथ साथ आज हम जो है इस चरण पर खड़े हैं कि हमारे सामने लगभग काफ़ी सारी लगभग 18 भाषाओं के अंतर्गत टैली का जो है नया की और नया जो है इंस्टॉलेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बातचीत करेंगे इसके कौन कौन सी भाषाओं के अंतर्गत अभी एट प्रेजेंट जो है टैली आपको ERP 9 सुविधा दे रहा है उसके बारे में अपन बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लैंग्वेज के अंतर्गत जहाँ बातचीत होती है अपने सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा इसके अंतर्गत कौन 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 सी भाषा है, जिसमें कि सबसे पहले हिंदी गुजराती इंग्लिश ये तो प्रारंभिक रूप से इंपॉर्टेंट भाषा है, और इसी के साथ साथ बंगाली अब आती है आपके कन्नड़ मलयालम ये वाली जो भाषाएं हैं जिसके बारे में अपन बिल्कुल जानते भी नहीं हैं और इसके अंतर्गत भी जो है टैली आजकल जो है उपलब्ध होने लगी है, और इसकी जो है मुख्य रूप से यह है कि इसको आप एक बार इंस्टॉल करने के बाद में आपको सुविधाएँ होती हैं कि मैं जो है इस भाषा के अंतर्गत अत्यधिक समझ सकूँ और इसका यूज़ जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत ले सकूँ, और इसी के साथ साथ ये जो सुविधा है आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके आप जिस भाषा के अंदर आप ज़्यादा जानते हैं तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आपको आती नहीं है और समझने में भी जो है आपको आसानी होती है। तो ये आपके सभी के सामने जो है ये सारा का सारा जो है सेटअप बैठाया है टैली, इसके अंतर्गत जो वर्जन है ERP 9 है उसके अंदर जो है आपके इसके अंतर्गत सेटलमेंट काफ़ी अच्छा बैठ गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी रूप के अंतर्गत इस टॉपिक को समझें और आगे के और जो है रुक करें और अधिक जो है इसको बेटर बनाने का प्रयास करें। मैं इसी के साथ आप सभी से धन्यवाद कहता हूँ, और अपन जो है नए टॉपिक के रूप के अंतर्गत नए इसी स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत इसी चैनल पर बने रहें सभी, और नेक्स्ट वाले क्लास का वेट करें।